हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं फैशन मेकर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, कुछ टाइम पहले मैंने एक Q&A वीडियो बनाया था और उस वीडियो पे मैं आप लोगों को एक होप स्कर्ट के बारे में बताया था। और उस वीडियो के बाद आप में से बहुत सारे लोगों का मेरे पास DMs आ रहे थे इंस्टाग्राम पे और बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे होप स्कर्ट के बारे में। आप लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए था और बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि ये होप स्कर्ट कैसे हमको परचेस करना है और कहाँ से हम परचेस कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा होप स्कर्ट के बारे में। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो से मिलने वाला है और आज मैं आप लोगों के लिए एक होप स्कर्ट लेके भी आया हूँ, आपको मैं आगे दिखाने वाला हूँ। और अगर आप लोग इस वीडियो पे 5000 लाइक्स कंप्लीट करते हो तो ये जो मेरे पास होप स्कर्ट है ये मैं आप में से किसी एक को देने वाला हूँ। और 5000 लाइक्स कंप्लीट होने के बाद मैं इसका एक ट्यूटोरियल वीडियो बना के आप लोगों को देने वाला हूँ कि कैसे आप एक होप स्कर्ट अपने घर पे बना सकती हो। ये होप स्कर्ट का मटेरियल जल्दी मिलता नहीं है, तो अगर आप लोग इस वीडियो पे 5000 लाइक्स कंप्लीट करते हो तो मैं आप लोगों के लिए ये सारे मटेरियल्स लेके आपको बना के दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को ऐसे ही फैशन डिजाइन से रिलेटेड ट्यूटोरियल वीडियो मिलते रहता है। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक होप स्कर्ट है, ये आप देख सकते हो, ये इस तरीके से है। इसको मैं अभी आपको डमी पे पहनाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये कैसा है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। तो इसको मैं डमी पे लगाता हूँ। तो ये जो स्कर्ट है इसको मैंने अभी डमी पे लगाया है और इसका जो घेरा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसके अंदर आपको यहाँ पे ये बहुत सारे रिंग्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो टोटल 6 रिंग्स इस पर लगा हुआ है, ये ऊपर एक है और उसके बाद यहाँ पे 5 और लगा हुआ है। और ये नीचे का जो घेरा है ये आप देख सकते हो ये किस तरीके से है। और इसके अंदर जो है मेटल का रिंग लगा हुआ है, तो ये जल्दी बैंड नहीं होने वाला है। और इसका फैब्रिक का क्वालिटी भी अच्छा ही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर इसका बेल्ट जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इलास्टिक और ये नाड़ा दोनों साथ में है, तो ये आपको पहनने के लिए भी कम्फर्टेबल रहेगा। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये होप स्कर्ट होता क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है। तो ये जो होप स्कर्ट होता है ये अंदर पहनने के लिए होता है, कोई भी गाउन्स के अंदर। तो ये जो इस तरीके का बेल गाउन होता है जो क्रिश्चियन लोग वेडिंग में पहनते हैं, उस तरीके का जो गाउन होता है उसके अंदर ये होता है। इसका जो मेन काम होता है वो होता है कि ये जो गाउन होता है उसको इस तरीके से एक्सटेंड करके रखता है, उसका जो घेरा होता है वो। ये स्कर्ट का जो मेन काम होता है, ये जो टेक्सचर आप अभी देख रहे हो, ये गाउन पहनने के बाद भी इसी तरीके के दिखने वाले, और ये गाउन्स के अंदर होता है तो ये दिखता नहीं है। तो इसका मेन काम यही होता है। और जैसे हम लोग नॉर्मली जो कैन लगाते हैं वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। तो ये स्कर्ट को आप चारों तरफ से देखो, ये इस तरीके से राउंड है चारों तरफ से, और इसके अंदर ये मेटल का पट्टी लगा हुआ है, ये जल्दी बैंड भी नहीं होगा। और यहाँ पे इस पर जो फैब्रिक यूज़ होता है वो थोड़ा स्टिप फैब्रिक होता है, जो कड़क वाला होता है, लेकिन ये बहुत लाइट वेट है और जल्दी फटेगा भी नहीं, इस तरीके का मटेरियल इस पर यूज़ हुआ है। तो ये आप देख सकते हो, ये उल्टा तरफ से भी इस तरीके से आपको दिखेगा। और ये जो स्कर्ट है इसको फोल्ड करके छोटा भी किया जाता है, लेकिन उसके लिए भी एक टेक्निक होता है, उसी तरीके से इसको फोल्ड किया जाता है। तो इसको कैरी करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर आपको ये स्कर्ट परचेस करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एंड पे और एक चीज़ बताऊंगा जहाँ पे आप और अच्छे से इसको परचेस कर सकते हो, तो वीडियो पे बने रहना। तो ये जो होप स्कर्ट है ये कुछ इस तरीके से दिखता है, आई होप आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। और इसका जो लेंथ वाइज है इसको आप थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हो, क्योंकि ये ऊपर से ही पहनना होता है, तो ये जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है उसी तरीके का ये बना हुआ होता है। और इसके अंदर कोई भी साइज़ आपको नहीं मिलेगा, एक ही साइज़ का मिलेगा। और इसका जो वेस्ट लाइन है ये कम्फर्टेबल है हर साइज़ के लिए, ये आप कोई भी साइज़ पर पहन सकते हो, लाइक नॉर्मली जो साइज़ होता है 28 से लेके आप 34 तक इसको पहन सकते हो, क्योंकि इसके अंदर इलास्टिक दिया हुआ है और ऊपर से ये नाड़ा भी दिया हुआ है, तो आप इसको पहन सकते हो। और ये स्कर्ट का जो लेंथ है वो 42 जितना है, तो ये स्टैंडर्ड साइज़ में आता है, तो इसको आप इजीली पहन सकते हो। अगर आपको कम ज़्यादा भी होता है तो आप इसको ऊपर करके पहन सकते हो, तो ये ड्रेस के अंदर होता है तो आपको इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। सो आई होप आपको ये होप स्कर्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया है। और ये होप स्कर्ट के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, मेरा जो दूसरा चैनल है उस पर आप देख सकते हो, उस पर मैं आपको डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा कि इसको आप किस तरीके से बना सकते हो। और अगर आप लोग इस वीडियो पे 5000 लाइक्स करते हो तो इसका मैं कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो बनाने वाला हूँ। सो जल्दी से इसको 5000 लाइक कंप्लीट कर दो। और ये स्कर्ट मैं आप में से किसी एक को देने वाला हूँ, तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और कोई भी अच्छा सा एक कमेंट कर दो और 5000 लाइक्स कंप्लीट कर दो, उसके बाद मैं किसी एक को ये गिव अवे करने वाला हूँ। यहाँ पे मेरे पास और एक क्रॉप टॉप है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये अमेज़ॉन से आया था मेरे पास। तो ये आप देखो कि ये ब्लैक कलर में ये एक क्रॉप टॉप है, ये देखिए, ये कॉटन मटेरियल के ऊपर यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है और यहाँ पे एक मिरर वर्क जितना दिया हुआ है। तो ये आपको मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ, ये आप देखो, ये माई हॉल स्टोर का ब्रांड है। इसके ऊपर का जो ये एम्ब्रॉयडरी है, ये आप कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हो, बहुत ही फिनिशिंग से बारीक डिटेल्स काम किया हुआ है। और ये टॉप आपको 2-3 और कलर में मिल जाएगा,
ये ब्लैक, ब्लू, ऐसे बहुत सारे कलर में आते हैं, तो ये आप देख सकते हो। अगर आपको ये क्रॉप टॉप परचेस करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। सो गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जो मैं आप लोगों को बताने वाला था कि अगर आप लोग मेरे से ये होप स्कर्ट परचेस करना चाहते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको डायरेक्ट परचेस करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाके परचेस कर सकते हो। सो गाइज़, आज की इस वीडियो पर इतना ही था। सो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसका मैं गिव अवे करने वाला हूँ और ट्यूटोरियल वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए आप लोग इस वीडियो पे 5000 लाइक कर देना। और अगर आपको होप्स कार्ड के बारे में और भी कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और किसी को होप्स कार्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये वीडियो आप उनको शेयर कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसे ही फैशन डिजाइन से रिलेटेड बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियो बनाता हूँ। और अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो भी चेक कर सकते हो, आप लोगों के लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने बना के रखा है। आप मेरा सेकेंड चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज़, आज की इस वीडियो पर इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।